नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल अपना ज्ञान में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मोहिनी एकादशी कब है और इसका शुभ मुहूर्त और इसका क्या महत्व होता है। मोहिनी एकादशी व्रत हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। बता दें कि वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन मोहिनी एकादशी व्रत रखा जाएगा। इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु की उपासना करने से सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। शास्त्रों एवं वेदों में एकादशी व्रत को सर्वोत्तम माना गया है। कई धार्मिक ग्रंथों में यह भी वर्णित है कि जो भक्त एकादशी व्रत रखते हैं उन्हें मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। बता दें कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन मोहिनी एकादशी व्रत रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत 1 मई 2023 सोमवार के दिन रखा जाएगा। मान्यता है कि इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की उपासना करने से सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। आइए जानते हैं कि मोहिनी एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त और इसका क्या महत्व है। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 30 अप्रैल 2023 रात 8:28 से शुरू होगी और इसका समापन 1 मई को रात 10:09 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार यह व्रत 1 मई सोमवार के दिन रखा जाएगा। पंचांग में व्रत पारण का समय 2 मई को सुबह 5:40 से शुरू होकर सुबह 8:19 के बीच होगा। पंचांग में बताया गया है कि मोहिनी एकादशी व्रत के दिन भद्रा का साया रहेगा। इस दिन सुबह 9:22 से रात 10:09 तक भद्रकाल होगा। वही इस दिन रवि योग का भी निर्माण हो रहा है जो सुबह 5:41 से शाम 5:51 तक रहेगा। मोहिनी एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु को गाय के दूध से बनी खीर का भोग लगाना चाहिए। साथ ही माँ लक्ष्मी को लाल रंग का वस्त्र अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में आर्थिक उन्नति आती है। एकादशी व्रत के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के पेड़ के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना चाहिए और मंत्रों का जाप करना चाहिए। शास्त्रों में मोहिनी एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसी दिन श्री हरि ने असुरों का वध करने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था, इसीलिए एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त होती है। साथ ही एकादशी व्रत रखने से घर परिवार में सुख शांति का आगमन होता है और साधक को धन बुद्धि ऐश्वर्य एवं विद्या की प्राप्ति होती है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिए। धन्यवाद।